नमस्कार प्रिय दर्शकों, हम दिखा रहे हैं आपको संयुक्त मानव एकता मंच जो कि टेंशन चौराहे पर झांकी बना करती थी, अब वर्तमान में हनुमान मंदिर के पास में झांकी बन रही है और बहुत ही शानदार पीछे से सज जाए आप लोग कलाकारों की टीम के द्वारा दी जा रही है। यह कलाकार की टीम भोपाल की गरबा टीम के द्वारा पचोर शहर में प्रस्तुतियाँ दी जा रही है। इनके द्वारा गरबा भी जो किए गए हैं उसकी प्रस्तुति भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं कुछ देर पश्चात। आप बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में। रमाकांत शर्मा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और पाइए अगला वीडियो फटाफट। प्रस्तुति इतनी शानदार थी कि हर व्यक्ति को अपनी जेब से मोबाइल निकालने को मजबूर कर दिया। देखते रहें आप यूट्यूब चैनल हमारा, आपका अपना।
पचोर शहर की आन बान शान संयुक्त मानव एकता मंच टेंशन चौराहे की झांकी जो वर्तमान में अभी हनुमान मंदिर रोड पर हनुमान मंदिर के ठीक पास में बन रही है, एक अपनी अनूठी मिसाल पेश कर चुका है, जिसमें भोपाल की कलाकारों की टीम गरबा टीम शानदार प्रस्तुति यहां पर दे रही है। गजेंद्र फाइव स्टार गरबा टीम की प्रस्तुति यहां पर चल रही है, जो कि गरबे के पश्चात विभिन्न कलाओं की प्रस्तुति यहां पर दी जाती है। इसको देखने के लिए श्रद्धालु लोग उमड़ रहे हैं। देख रहे हैं आप संयुक्त मानव एकता मंच टेंशन चौराहे की झांकी, जो कि वर्तमान में हनुमान मंदिर रोड पर बन रही है। आप देखते रहें हमारा YouTube चैनल रमाकांत शर्मा RKS को सब्सक्राइब कीजिए, और पचोर शहर की होने वाली हर गतिविधि पर हमारी नज़र रहेगी, जो कि हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। पर आप उसके पहले सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, शेयर लाइक और कमेंट भी कीजिए, क्योंकि आपके द्वारा दिया जा रहा स्नेह प्रेम जो कि आपने सब्सक्राइब कर हमको दिया है, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। और आप हमें इसी प्रकार स्नेह प्रेम देते रहें ताकि हम आपको और आगामी प्रस्तुतियां दिखाते रहें। देखते रहिए आप रमाकांत शर्मा का YouTube चैनल। पर भोपाल की गरबा टीम यहाँ पर प्रस्तुति करेगी, बहुत ही अच्छी अच्छी यहाँ पर प्रस्तुति, कल भोलेनाथ जी का भी यहाँ पर रोल दिखाया जाएगा, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति होगी कल यहाँ पर भोपाल की गरबा टीम, बहुत ही अच्छी अच्छी प्रस्तुतियाँ, चार प्रस्तुतियाँ पर कल करेगी। आपसे निवेदन है अधिक से अधिक संख्या में पधारे, और कल भी माता रानी के नवरात्रि के पावन अवसर पर, नवमी के पावन अवसर पर कार्यक्रम को सफल बनाए। इसी के साथ में आपसे आखिरी में कल भयंकर भोलेनाथ महाकाल का और काला जी महाराज का यहाँ पर युद्ध होगा, आखिरी की जो प्रस्तुति कल भोपाल टीम की यहाँ करेगी, महाकाल का और काला जी महाराज का यहाँ पर भयंकर युद्ध होगा, आखिरी प्रस्तुति को कल आकर के देखना है। 8:30 बजे से प्रस्तुतियां कल यहाँ पर प्रारंभ करवा दी जाएंगी। आपसे निवेदन है अधिक से अधिक संख्या में पधारें और कार्यक्रम को सफल बनाएं। इसी के साथ समिति की तरफ से आखिरी आपसे कुछ अपेक्षा रखते हैं कि शांतिपूर्ण तरह से निकलें, पहले माताओं बहनों को निकलने दें, माताओं बहनों को निकलने का रास्ता दें सबसे पहले, और भैयाओं से निवेदन है शांति तरह से निकलें, रोड पे हाउल्ला ना करें किसी प्रकार का, शांति तरह से निकले आप बिल्कुल। जो प्रस्तुति बाइक भैया जितनी भी गाड़ियां खड़ी है पहले माता बहनों को निकल जाने दो, आराम आराम से बाइक को निकालना है आपको, पहले सारी पब्लिक को निकल जाने दो, माता बहनों को इनको पैदल यात्रियों को निकल जाने दो, फिर बाइक को आराम से निकालें आप लोग। और इसी के साथ में सभी कार्यक्रम की आप लोगों को अपडेट रमाकांत जी शर्मा यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलेगी, चैनल को सब्सक्राइब करते रहे। माता रानी के दरबार में कल भी नवमी के पावन अवसर पर भोपाल की टीम यहाँ पर महाकाल महाकाली का यहाँ पर बहुत भारी युद्ध होगा, अंतिम प्रस्तुति में अधिक से अधिक संख्या में पधारे और आयोजन को सफल बनाए। आप लोगों ने यहाँ बैठकर इतना समय दिया, इतने शांतिपूर्ण तरह से इस आयोजन को देखा, इसके लिए समिति की ओर से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। जय माता दी।